In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, I hope that you are in a good best health and spirit. Today I am talking about log at 2021 30 May 30 May के वो तमाम तलबा जिन्होंने लॉग एड के लिए अप्लाई किया एज ए कैंडिडेट ऑफ लॉग एड, वो तमाम जो तलबा के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, एक बहुत बड़ी खबर है लॉग एड के तलबा तलबा के लिए। 10 मार्क्स आपका जो रोला चल रहा था कि 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएँ, 5 मार्क्स का जो इशू चल रहा था एच सी की तरफ से और रब की करामात की तरफ से, ये डबल हो गया है। आपको ना सिर्फ 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं बल्कि 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। अब सीन कैसा सुना रही सुन ली पहले। सीन कुछ यूँ है कि अभी तलबा तलबा का रिजल्ट नहीं आया, अभी इस चीज़ की श्योरिटी नहीं है कि क्या वाकई आएगा या रिजल्ट नहीं आएगा, क्या होगा, कब अनाउंस होगा कि नेगेटिव मार्किंग होगी। अब इस चीज़ को आप मुलाहिजा करें कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी क्योंकि अभी भी ये कॉन्सेप्ट चल रहा है बाद लोगों की तरफ से कि कोई दोबारा से रीचेकिंग होगी, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग की जाएगी, फिर 10 मार्क्स ऐड किए जाएंगे। नहीं, जिनके मार्क्स एमसीक्यूज के अंदर 20 सही अंक को 30 मिल जाएंगे, जिनके 30 सही अंक को 40 मिल जाएंगे, जिनके 40 सही अंक को 50, जिनको 50 सही अंक उनको 60 मार्क्स मिल जाएंगे। 10 मार्क्स आपको अजाफी मिलेंगे अकॉर्डिंग टू की, अगर आपके एमसीक्यू जितने ठीक हैं उसके अंदर आप प्लस 10 कर लें तो आपके वो मार्क्स जो है ना टोटल आपको मार्क्स होगा। अब रिजल्ट कब अनाउंस होगा? ठीक है, रिजल्ट भी अनकरीब अनाउंस होगा। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है, बड़ी मज़े की बात चल रही है कि केस किसने फाइल किया। अब हर यूट्यूब के ऊपर जितने यूट्यूबर हैं, लाइक मैं भी सियासत कर सकता हूँ, हर बंदा सियासत कर रहा है, वो कह रहा है जी मैंने फाइल जो है ना केस फाइल किया, मैंने ये इसको क्लेम किया HEC को, हाई कोर्ट के अंदर गए और फलाम में गए। हर यूट्यूबर अपना नाम चमका रहा है कि मैंने इसको फाइल किया। अब मैं भी कह सकता हूँ कि ये केस मैंने फाइल किया HEC के खिलाफ और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा मिले। नो, दिस इज़ रॉन्ग। जिस बंदे ने केस फाइल किया वो यूट्यूबर नहीं है भाई, वो वैसे ही गुमनाम, अभी तक उसको अभी तक वो यूट्यूबर नहीं आया। हर यूट्यूबर अपना नाम चमका रहा है मैंने केस फाइल किया है, अपनी आर्मी बढ़ा रहा है कि मुझे फेम मिल जाए, मुझे व्यू मिल जाए। मैं भी ये कह सकता हूँ लेकिन भाई नहीं, फेम वो है जो रियल फेम होता है, ठीक है। ये फेम नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं, ये करें वो करें, ना, ठीक है। अब जो रिजल्ट जब आएगा ना आपका, रिजल्ट के अंदर आपके 10 मार्क्स शामिल होंगे। आप अभी से अंदाजा कर लें आप कितने MCQs ठीक हैं, जितने MCQs आपके ठीक हैं उसमें 10 ऐड कर लें, ठीक है। अब बार काउंसिल की बहुत ज़्यादा मेहरबानी है, बार काउंसिल और ये HEC इनके आपस में मुजाकर हुए, HEC ने अपनी गलती को तस्लीम किया कि हमारी इतनी मिस्टेक हैं, उन 10 मिस्टेक को आप खुद तस्लीम किया और 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ये नहीं कि आपके ठीक होगा तभी मिलेगा या गलत होगा, नहीं, जितने MCQs आपके ठीक हैं उसमें आप 10 ऐड करें, आपका रिजल्ट शो हो जाएगा। रिजल्ट अनकरीब आपको शो होने वाला है, ठीक है। इसके साथ साथ कह लेंगे जितने भी ग्रेजुएट्स पास आउट हुए हैं, जितने भी 40 मार्क्स आएंगे, 50 आएंगे, जितने भी पास हो गए हैं लॉ ग्रेजुएट, अब्दुलरहमान यासीन एंड मेरी टीम की तरफ से उन तमाम तर वकला को बहुत बहुत मुबारकबाद लॉ ग्रेड पास करने के लिए। इसके साथ में दीजिए इजाज़त, वमा अलैना इल्ला अल बलागुल मुबीन। थैंक यू।